ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, आपके घर में माता लक्ष्मी आती ही नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, प्रदोष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रदोष के दिन आपको एक धतूरा लेना है, फिर उसको एक निश्चित जगह में रखना है, फिर देखना आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। लेकिन कैसे करना है ये जाने, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको केवल एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को लेकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर जाना है, और वहाँ पर पहुँचकर हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको शिवलिंग के पास खड़े होकर उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब देखो समर्पित करना कैसे है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप धतूरे को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तो जो धतूरे की डंडी होती है, धतूरे की डंडी आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जिस तरफ आप खड़े हैं, उसके ठीक विपरीत दिशा में धतूरे की डंडी को करके शिवलिंग के ऊपर धतूरे को समर्पित करेंगे। हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए और धतूरे की डंडी आपको अपोजिट दिशा में रखनी होगी। बस आपको इतना करना है, और उसके बाद आपको उसी धतूरे के ऊपर एक लोटा जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। और उसके बाद उस धतूरे को जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, उसे शिवलिंग के ऊपर से उठाकर अपने साथ घर ले आना है। और आपके घर में जहाँ पर भी तिजोरी हो या पैसे रखने का स्थान हो, वहाँ पर उस धतूरे को किसी कपड़े में बांध कर रख दे। यकीन मानिए, माता लक्ष्मी उसी दिन से आपके घर में हमेशा के लिए वास करने लगेंगी। धतूरे को तब तक रखना है जब तक दूसरा प्रदोष ना आ जाए, अर्थात जब एक प्रदोष पूरा हो जाए, दूसरे प्रदोष पर फिर इस उपाय को करें और धतूरे को बदल दीजिए। जो पुराना धतूरा है उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करने से आपको चमत्कार दिखने लगेगा। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए उपाय को जरूर करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।